गार्लिक ब्रेड खाना पसंद है पर बिल्कुल बनाना नहीं आता मार्केट वाले स्टाइल में, तो ये रेसिपी पूरी देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपी होने वाली है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ले लेना है गार्लिक, तो एक मैंने लहसुन की बड़ी वाली कली ले ली है, उसे आपको छीन लेना है। तो यहाँ पे आपको 6 से 7 कली ले लेनी है। अगर आपने इसे ऐसे इस्तेमाल किया कच्चा, तो इससे मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है। तो आपको क्या करना है, एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम कर लेना है। तो देखिए, तेल की जगह पे आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर हम बटर बाद में यूज़ करने वाले हैं। तो तेल में इसे अच्छी तरीके से आपको भून लेना है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए। तो चलिए इसे मैं भून लेती हूँ। तो देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे इसका कलर चेंज हो चुका है और ये अच्छी तरीके से भुन भी चुका है। तो इसे एक प्लेट में आपको निकाल लेना है। अब इसे आपको एक कोई भी कलची या कोई भी पत्थर या कोई भी भारी चीज़ लेनी है, इसे अच्छी तरीके से आपको कुचल लेना है। तो देखिए, ऐसा इसका पेस्ट जैसा बन जाना चाहिए। अब इसमें आपको बटर ऐड करना है। तो देखिए, थोड़ा सा पिघला हुआ आपको बटर इसमें ऐड करना है। तो बटर ऐड करने के बाद इसमें आपको ऐड करना है चिली फ्लेक्स आपके टेस्ट के अनुसार, और थोड़ा सा यहाँ पे ऑरिगेनो या कोई भी पिज़्ज़ा सीजनिंग अगर आपके पास हो तो उसे आपको ऐड कर लेना है। थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 चम्मच के करीब, इसे भी बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा नमक, क्योंकि बटर में ऑलरेडी नमक होता है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ थोड़ा सा नमक ऐड करना है। और इसे आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये हम बनाने वाले हैं यहाँ पे प्लेन बटर गार्लिक। तो देखिए, अच्छी तरीके से मिक्स मैंने कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड का स्लाइस ले लिया है, आप यहाँ पे ब्राउन या वाइट ब्रेड कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ पे इसके ऊपर आपको अच्छी तरीके से इसे अप्लाई कर लेना है। इसे आपको बिल्कुल भी सेकना नहीं है, आप चाहे तो पहले से इसे टोस्ट कर सकते हो, फिर इसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसे आपको ऐसे ही कट कर लेना है। आपका ब्रेड गार्लिक यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप कच्चे लहसुन का यूज़ करते हो तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। तो चलिए हम बना लेते हैं अभी हमारा दूसरा फ्लेवर, जो आपने बटर गार्लिक बनाया था उसी में आपको यहाँ पे थोड़े से कटे हुए शिमला मिर्च, थोड़े से अनियन, थोड़े से कॉर्न, जो भी आपके पास वेजिटेबल हो उसे आपको ऐड कर लेना है। बारीक बारीक उन्हें आपको चॉप कर लेना है, बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं होने चाहिए। और इसे आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये आपका वेजिटेबल ब्रेड गार्लिक हो जाएगा। इसे आपको मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से, और ब्रेड के ऊपर इसे आपको लगा देना है। तो देखिए, ऐसे ही आपको ब्रेड के ऊपर अच्छी तरीके से लगा देना है, और इसके ऊपर से आपको कोई भी चीज़ स्लाइस लगा लेना है, या कोई भी चीज़ अगर आपके पास हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब एक ब्रेड आपको ऊपर से ढक लेना है, और इसे आपको अच्छी तरीके से सेक लेना है पलट पलट करके। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने सेक लिया है, थोड़ा सा बटर का भी ऊपर से मैंने अप्लाई किया था। अब इसे आपको कट कर लेना है, और आपका ब्रेड गार्लिक यहाँ पे रेडी हो गया है। वेजिटेबल ब्रेड गार्लिक भी इसे आप कह सकते हो, बच्चों के टिफ़िन में भी इसे आप दे सकते हो। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।